गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपने लेसन नंबर 3 में कल टॉपिक पढ़ा था सम विभव प्रश्न। इसके बाद अपने आज का टॉपिक रहेगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन ये है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? दो आवेशों और तीन आवेशों से बने हुए निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हमें व्युत्पन्न करना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, बहुत ही आसान सी है। डेफिनेशन क्या है कि किसी निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जिसमें किसी आवेश को अनंत दूरी से लाकर निकाय का निर्माण किया जाता है। यहां पर मैंने दो आवेश लिए हैं, पहला Q1 आवेश है जो स्थिर है, बिंदुवत आवेश है, स्थिर है। दूसरा आवेश Q2 है, इसको अपने अनंत दूरी से ला रहे हैं। तो यहां पर दूसरे आवेश Q2 को अनंत दूरी से लाकर एक निकाय का निर्माण किया गया है। जब किसी आवेश को अनंत दूरी से लाकर निकाय का निर्माण किया जाता है तो उसके लिए अपने को कार्य करना पड़ेगा और ये कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो इसकी दो डेफिनेशन है, बहुत ही आसान सी, कि जब किसी निकाय में कार्य किया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होगी जिसमें आवेश को अनंत दूरी से लाकर निकाय का निर्माण किया जाता है, या दो से अधिक आवेशों को एक दूसरे के निकट लाया जाता है या एक दूसरे से दूर ले जाया जाता है, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और ये जो कार्य होगा ये कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। कल का अपना प्रश्न था कि सम विभव प्रश्न में बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना होगा, तो वहां पर कोण कितना था? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आज का क्वेश्चन आपको आगे बता दिया जाएगा। अब अपने को यहां पर क्या करना है, दो आवेशों की निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक अपने को व्युत्पन्न करना है। तो दो आवेशों में से एक आवेश Q1 है जो P1 बिंदु पर स्थित है और स्थिर अवस्था में है, जिसका कंडीशनल वेक्टर स्थिति सदिश R1 सदिश है। कंडीशनल वेक्टर क्या है? R1 सदिश। अब अपने क्या करेंगे, एक अन्य आवेश Q2 को अनंत दूरी से Q1 आवेश के निकट लाएंगे। कौन से बिंदु पर लाएंगे? P2 बिंदु पर लाएंगे। तो लाने के लिए दोनों आवेश मान लेते हैं पॉजिटिव है, तो प्लस के पास प्लस आएगा ही नहीं, लाना पड़ेगा। अब लाने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। ये जो कार्य है ये कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, जो क्या कहलाएगा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। अब इसका व्यंजक अपने को व्युत्पन्न करना है, तो सिंपल है, बिल्कुल आसान सा है कि जब Q2 आवेश को Q1 आवेश के निकट लाया जाता है तो Q1 आवेश पर वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज निकालना है पहले अपने को, वोल्टेज कितना होगा जब Q2 आवेश को Q1 आवेश के निकट लाया जाता है, तो Q1 आवेश पर विभव क्या होगा? तो V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है KQ / R। कौन से बिंदु पे अपने वोल्टेज निकाल रहे हैं? P1 बिंदु पे। तो P1 बिंदु पे आवेश कितना है? Q1 है, और जो कंडीशनल वेक्टर है वो है R12 सदिश। यहां पर इसका अपने मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, ये समीकरण आ जाएगी एक नंबर। जब Q2 आवेश को अनंत दूरी से P2 बिंदु पर लाया जाता है तो इसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। अब अपने यहां से कार्य निकाले और जो कार्य होगा वो कार्य क्या होगा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो विद्युत विभव का सूत्र लगाएंगे तो ये आएगा V = W/Q। कौन से आवेश को ला रहे हैं अपने? Q को ला रहे हैं, तो V = W/Q2। या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, या W = V × Q2, और ये समीकरण नंबर आ जाएगी 2। अब देखो अपन क्या करेंगे, यहां पे समीकरण नंबर 2 में V का मान समीकरण नंबर 1 से रख देंगे। समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे? V का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यह आएगा समीकरण 1 में 2 से। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, W = V के स्थान पर मान रखेंगे KQ1, ये आ जाएगा Q2 / में आ जाएगा R12 सदिश मॉडुलस। ये जो कार्य है ये कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। यानी इसको अपन किससे लिखेंगे? W को लिखेंगे U से। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, W = K Q1 Q2 / R12 सदिश मॉडुलस। या तो अपने K का मान भी रख सकते हैं, और K का मान क्या है? 1/4πε0। तो यह आ जाएगा U = Q1 Q2 / 4πε0।
एप्सिलॉन 0 r 1 2 सभी इस मॉडुलस और ये समीकरण नंबर आ जाएगी 3 नंबर। समीकरण 3 ही क्या है, दो आवेशों की निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। ये दो आवेशों के लिए अपने वैल्यू निकाली है। इसी प्रकार अपने क्या करेंगे, तीन आवेशों का एक सिस्टम लेंगे, निकाय लेंगे और उसमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक अपने को व्युत्पन्न करना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, तीन आवेशों की निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो तीन आवेश अपने इस प्रकार से लेंगे, डायग्राम बना रहे पहले, माना कि बिंदु ए पर ये बिंदु है और यहाँ पे क्यूबन आवेश है स्थिर अवस्था में। अब इस आवेश के निकट अपने क्या करना है, अन्य दो आवेशों को लेकर आने, एक लेकर आएंगे अपने क्यू टू और दूसरा लेकर आएंगे क्यू थ्री। और कहां से लाना है, अनंत दूरी से लाना है। मान लिया आपने ये बी बिंदु है और बी बिंदु में जो आवेश है वो है क्यू टू। क्यू टू आवेश को अनंत दूरी से लाएंगे बी बिंदु के पास। इसी प्रकार एक अन्य तीसरा आवेश लेंगे क्यू थ्री और क्यू थ्री आवेश को अपने क्या करेंगे, अनंत दूरी से लेकर आएंगे सी बिंदु पर। क्यू थ्री आवेश को अपने क्यू वन आवेश के निकट भी ला रहे हैं और क्यू टू आवेश के निकट भी ला रहे हैं। तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा और जो कार्य अपने करेंगे वो कार्य क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो सर्वप्रथम क्यू टू आवेश को अनंत दूरी से क्यू वन आवेश के निकट लाने में किया गया कार्य या विद्युत स्थितिज ऊर्जा, कार्य को हम किससे लिखेंगे, डब्ल्यू वन से। और डब्ल्यू वन इक्वल टू क्या है, यू वन है और इक्वल टू क्या आएगा, क्यू वन क्यू टू बटा में। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी लेनी है तो दूरी अपने मान लेते हैं, दूरी है आर वन टू सदिश मॉड्यूलस, ये दूरी है आर वन थ्री सदिश मॉड्यूलस, ये दूरी है आर टू थ्री सदिश मॉड्यूलस। तो ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की दूरी है वो कितनी है, आर वन टू सदिश मॉड्यूलस है। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू वन इजकल टू यू वन इजकल टू क्यू वन क्यू टू बटा मी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन टू सदिश मॉड्यूलस, समीकरण नंबर 1 नंबर। इसी प्रकार क्यू थ्री आवेश को अनंत दूरी से क्यू वन आवेश के निकट सी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा, इसको अपन लिखेंगे डब्ल्यू टू से। और डब्ल्यू टू इजकल टू है यू टू इजकल टू है क्यू वन क्यू थ्री बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन थ्री सदिश मॉड्यूलस और ये समीकरण आ जाएगी 2 नंबर। इसी प्रकार अपने क्या कर रहे हैं, जो क्यू थ्री आवेश है उसको क्यू टू आवेश के निकट भी ला रहे हैं। तो इसी प्रकार क्यू थ्री आवेश को अनंत दूरी से बी बिंदु पर या क्यू टू आवेश के निकट लाने में किया गया कार्य या विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको अपन लिखेंगे डब्ल्यू थ्री से। और डब्ल्यू थ्री इक्वल टू आएगा यू थ्री इक्वल टू क्यू टू क्यू थ्री बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू थ्री सदिश मॉड्यूलस, समीकरण नंबर 3 नंबर। अब अपने यहां पर क्या करना है, कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, अलग अलग विद्युत स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। तो U बराबर आ जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3, समीकरण नंबर 4 नंबर। समीकरण 4 में अपने क्या करेंगे, समीकरण 1 2 व 3 से मान रख देंगे। तो ये आएगा U is equal to मान रखेंगे तो ये आएगा Q1 Q2 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 सदिश मॉड्यूलस, ये मान किसका है, U1 का है। इसी प्रकार यहाँ पर अपने U2 का मान रखेंगे तो ये आएगा Q1 Q3 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 सदिश मॉड्यूलस प्लस Q2 Q3 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 R23 सदिश मॉड्यूलस। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको अपने कॉमन ले लेंगे, यहां से कॉमन आ रहा है U इस कल तो अपन लिखेंगे, कॉमन यहां से आएगा 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको अपने K भी लिख सकते हैं और जो बच गया उसको अपने ब्रैकेट में लिखेंगे। तो बचा यहां पर क्या है, Q1 Q2 बटा में R12 सदिश मॉड्यूलस प्लस Q1 Q3 बटा में
आर वन थ्री सदिश मॉड्यूलस प्लस क्यू टू क्यू थ्री बटा में आर टू थ्री सदिश मॉड्यूलस, ये समीकरण आ जाएगी पांच नंबर। समीकरण पांच क्या है? तीन आवेशों की निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हुआ। अब अपनी विद्युत स्थितिज ऊर्जा की कुछ मात्रक पढ़ेंगे। तो मात्रक इसके विभिन्न प्रकार के हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होगा एमकेएस या एसआई पद्धति में इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल कैसे होगा? V इक्वल टू होता है W बटा में Q। Q के साथ में अपने E भी लिख सकते हैं, तो ये आएगा W बटा में E, या W बराबर अपन क्या लिख सकते हैं EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। W क्या है? कार्य है, तो कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। तो दो मात्रक है एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति में विद्युत स्थितिज ऊर्जा की, जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। परमाणुओं कणों की ऊर्जा को मापने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक का प्रयोग किया जाता है। परमाणु कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनकी जो एनर्जी है इसको मापने के लिए अपन किसका यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो कितने जूल के बराबर होगा? कुछ रिलेशन है जो अपने को याद रखने हैं। तो सबसे पहले है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होंगे? एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम इनटू क्या है? V, और V का मतलब है वोल्ट। कूलॉम इनटू वोल्ट को अपन क्या लिख सकते हैं? जूल लिख सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि V बराबर क्या होता है? W बटा में Q। ये विद्युत विभव की परिभाषा से लिखा मैंने कि जब किसी परीक्षण आवेश या धनावेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाया जाता है तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। किए गए कार्य और आवेश का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। यहां से अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा QV या EV, और जो किसके बराबर होगा? W के बराबर। और W क्या है? कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होंगे? 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। इसी प्रकार दो नंबर, मान लो एक मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मिली का मतलब क्या है? 10⁻³। तो यह आ जाएगा 10⁻³ इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम इंटू वोल्ट। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? एक मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ये लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻²² जूल। इसी प्रकार तीन नंबर ये लिख सकते हैं अपने, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा कितना होता है? 10⁻⁶ इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम को अपने सी से लिख सकते हैं और वोल्ट को वी से। कूलॉम इंटू वोल्ट क्या होगा? जूल होगा। तो यह आ जाएगा एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका इंटू 1.6 × 10⁻⁶, प्लस में 6 है माइनस में 19 है तो माइनस में रह जाएगा 13, और मात्रक क्या बन जाएगा? जूल। इसी प्रकार एक किलो भी ले सकते हैं अपने, चार नंबर लिखेंगे, एक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो का मतलब क्या है? 10³। इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होगा? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम इनटू वोल्ट। तो ये आ जाएगा एक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ प्लस में 3 है तो माइनस में रह जाएगा 16, माइनस 16 किलो। लास्ट है पांच नंबर, माइक्रो लिख सकते हैं, एक माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, 10⁻⁶ इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम इंटू वोल्ट। तो ये आ जाएगा एक माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻²⁵ जूल। जूल को जैसे लिख सकते हैं। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखेंगे अपने, बहुत ही आसान सी है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर, एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर
इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई जो ऊर्जा होगी वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई जो ऊर्जा है वो क्या कहलाएगी? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आज का टॉपिक यहीं पर खत्म। जितना आपको करवाया गया अच्छे ढंग से आप पढ़े, याद करें लिख लिख कर। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होगा उसमें ये लेसन नंबर 3 कंप्लीट आएगा। तो आप आज का प्रश्न, आज का क्वेश्चन ये रहेगा, आपको मात्रक लिखना है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, यू का। तो दो मात्रक मैंने आपको